राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज विधानसभा उम्मीदवारों पर मंथन करने वाले हैं। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद नवरात्रि में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। इसके साथ ही ईआरसीपी को लेकर 15 अक्टूबर को प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। वहीं बीजेपी में रूठे नेताओं को मनाने के लिए प्रदेश प्रभारी से लेकर केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद जहां प्रदेश भर में चौतरफा विरोध शुरू हो गया है, वहीं अब पार्टी विद द डिफरेंस अब डिफरेंट मोर्चे पर लड़ती नजर आ रही है। इस चुनाव में कहने को तो बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला करती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं के टिकट काटे गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी वसुंधरा राजे से भी कोल्ड वॉर कर रही है। बीजेपी में टिकट कटने के बाद जहां नाराज और रूठी नेताओं को मनाने की प्रोसेस तेज हो गई है, आपको बता दें कि अपने करीबी नेताओं के टिकट कटने के बावजूद वसुंधरा राजे अब पार्टी की दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रही है। उन्होंने अपने करीबी नेताओं को कमल पर विश्वास रखने के साथ ही धैर्य रखने की भी सलाह दी है। ऐसे में यह देखना काफी रोचक होगा कि पिछले 4.5 साल से मुख्य धारा में आने का इंतजार कर रही वसुंधरा राजे क्या दूसरी लिस्ट के बाद भी खुद धैर्य रख पाएंगी। सिर्फ वसुंधरा राजे ने ही नहीं बल्कि पार्टी ने भी उनको लेकर धैर्य बना रखा है। राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने कहा कि केंद्र में जेपी नड्डा के बाद वसुंधरा राजे ही बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी नेता है। हमारी पार्टी में कोई गुट या खेमा नहीं है, सिर्फ कमल ही हमारी पहचान है। बीजेपी चुनावों को लेकर फील्ड में उतर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे के करीबी राज्यपाल और संघ के विश्वसनीय प्रताप भानु को दरकिनार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ को अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिससे राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पदाधिकारी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी भी टिकट कटने से नाखुश हैं। उन्होंने टिकट कटने के लिए राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 महीने से उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांग रहा हूं, लेकिन ना जाने चंद्रशेखर ऐसे कहां व्यस्त थे जो पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक से तक नहीं मिल पाए।